नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज कुशवाहा और आप देख रहे हैं रॉयल फूडीज यूट्यूब चैनल। भाई विलंब हो गया है, बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, 8-10 दिन हो गए हैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ी व्यस्तता ज्यादा चल रही है, इस कारण बस मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए खेद है मुझे। और लेकिन आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, 110 सेंटीमीटर की जो मेरी सॉलिड की डिश है उस पर उसका मेजरमेंट करके मैंने आपको बताया, क्योंकि एक भाई ने मुझसे पूछा था कमेंट्स करके कि भाई 110 सेंटीमीटर डिश का मेजरमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आज उसका वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए। मेरी लोकेशन नियर एट झांसी उत्तर प्रदेश है, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं रॉयल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल। तो प्लीज भाइयों मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखा करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाइयों, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना जिससे डीटीएस संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी सॉलिड की डिश 110 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई में आज मेजरमेंट करके बताऊंगा। अभी मेरी ये बदर सेट 26% है, जिस पर मुझे काफ़ी चैनल रिसीव हो रहे हैं, लगभग 193 चैनल मुझे रिसीव हो रहे हैं। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और इस पर मैंने 80 डिग्री भी सेट किया था, सारी जो 4 फुट के हिसाब से जो आता है 4 फुट की डिस पर उतना मुझे इस पर चैनल रिसीव हो रहे हैं। तो मैं आज आपको इसका मेजरमेंट करके बताता हूँ। एक भाई ने मेरे से पूछा था वीडियो के इसकी ये मेजरमेंट करके बताइए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा जैसा कि ये हमारा, ये देखिएगा यहाँ पर ये 0 है, और यहाँ से मैं आपको इसका मेजरमेंट करके बताता हूँ। जो उसकी चौड़ाई है आपको 40 इंच इसकी चौड़ाई है, 102 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हैं 40 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, यहाँ से यदि मैं इसकी गहराई आपको बताऊँ तो गहराई इसकी रहेगी, इसकी जो डेप्थ है तो डेप्थ में आपको बताऊँ 1, 2 और ये 3, यानी इसकी जो डेप्थ है वह हमारी देख सकते हैं, आपको यहां से मैं बताता हूं, 1 इंच 2 इंच और ये 3, ये 3.5 इंच है सर, यहां पे 3.5 इंच इसकी डेप्थ है। अब मैं आपको इसका डंडा जो है नीचे की रॉड इसको नाप के बताता हूं। यहां से अगर इसके डंडे की लंबाई हम नापते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो है 24 एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, साइड से भी मैं आपको बताता हूं, ये देखिएगा 24, यानी कि 24 इंच है इसकी डंडे की लंबाई, ठीक है ना। और यदि LNB की दूरी देखी जाए, पकड़ो वहां से, और यदि हम सेंटर से, ये देखिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो सेंटर से, हाँ ये देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सेंटर से इसकी यहाँ तक 70 सेंटीमीटर तक क्लैंप आ रही है, देख सकती है क्लैंप की जो दूरी है 70 सेंटीमीटर है, जस्ट सेंटर तो नहीं है, देख सकते हैं कि मैंने सीध नापी है, सेंटर इसका यहाँ पर आ रहा है, तो सेंटर से नहीं है, इसकी सीधाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 70 सेंटीमीटर हो रहा है, और इसकी मैं अब आपको ये आर्म्स की लंबाई बताता हूँ, आर्म्स कितनी दूरी पर हैं। यदि आर्म्स नापी जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एग्जैक्ट 30.5 इंच हैं, एग्जैक्ट 30.5 इंच देख सकते हैं आप, क्लैंप की जो हमारी है नट वो 30.5 इंच है, ये देखिएगा। और यदि हम इस तरफ दाहिने तरफ की अगर आर्म को नापते हैं तो ये भी इसकी भी दूरी 30.5 इंच है, ये देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है वो दूरी 30.5 इंच है। इसमें हालांकि आर्म्स बीच में लगाई गई हैं वो सपोर्टिंग के लिए, लेकिन दूरी तो हम इस क्लैंप से ही नापी जाएगी। अब आती है इसकी जो लंबाई है वो आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे तक, बिल्कुल सेंटर से ले रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो सेंटर से मैंने ली है, जो कि जिसकी लंबाई मेरी जा रही है 44 इंच, देख सकते हैं आप 44 इंच इसकी लंबाई हो रही है,
ये देखिएगा 44 इंच, एग्जैक्ट 44 इंच हमारी इसकी लंबाई है। यदि हम इसके सेंटर से LNB की यदि हम दूरी बताते हैं तो देखते हैं हमारी कितनी दूरी हो रही है। LNB से आप देख सकते हैं क्लैंप की जो दूरी है ये हमारी सेंटर बिल्कुल मध्य से लिए डिस्क की मध्य से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं क्लैंप तक, तो जो हमारी जा रही है 80 तक आ रही है। देखिएगा आप देख सकते हैं 80 सेंटीमीटर, और यदि इंच में देखा जाए तो 31.5 इंच। ये देखिएगा मध्य से, और पीछे का यदि आप देखेंगे तो इसका जैसे 2 फुट का स्टैंड होता है सेम वही तरीका इसका बनाया गया है, और मैंने इसको पटिया पर लगा रखा है ड्रिल मशीन से छेद करके जिससे उठाने में सहूलियत रहती है। ये मैंने अलग से एक और स्टैंड लगा दिया है जिससे कि क्योंकि ये काफ़ी हैवी है मजबूत है तो डिस्क का वजन के लिए मैंने एक स्टैंड और लगा दिया है। तो कुल मिला के इसके 4 लेग्स हो गए हैं, 4 पैर हैं इसके। ये देखिएगा साइड से हमारा कुछ इस प्रकार है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, तो यदि किसी को बनाना है तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। ओके ओके, नमस्ते, जय हिंद भाइयों।